हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बाइक की पॉलिश की। तो बाइक की पॉलिश जो मिड रेंज में आती है, जो कि आपको 100-150 मिल जाती है। एक्चुअली अगर आप लोकल मार्केट से इसको परचेज करेंगे तो आपको इससे भी सस्ते में मिल जाती है। तो ये एक्चुअली शिबा और मोटोमैक्स का जो बहुत अभी यूज़ होता है, क्योंकि ये जो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, हर किसी आपको शॉप में मिल जाएंगे ये। तो अभी मैं आपको इन दोनों का रिव्यू बताऊंगा। तो चलिए अभी इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास, मैंने ये अपनी बाइक के दोनों जो साइड पैनल है वो खोल लिए हैं, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। अभी मैं दोनों को वॉश करता हूं, और वॉश करने के बाद एक में मैं शिबा का जो स्प्रे है वो अप्लाई करूँगा, और दूसरे में मोटोमैक्स का जो पॉलिश आता है उसको अप्लाई करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इनको अभी वॉश कर लेता हूँ। तो गैस वॉशिंग के बाद मैं अभी इनको धूप में सुखाता हूँ। तो अभी गर्मी है तो एक दो मिनट में ये सूख जाएगा। तो चलिए अब मैं एक दो मिनट के बाद आपको बताता हूँ। तो गैस अभी धूप में सुखाने के बाद अभी मैं एक पे मोटोमैक्स का यूज़ करूँगा, और दूसरे पे मैं शिबा का यूज़ करूँगा। तो चलिए मैं अभी जो लेफ़्ट पैनल है मेरा उसमें मैं मोटोमैक्स का यूज़ करता हूँ, और जो राइट पैनल है उसमें मैं शिबा का यूज़ करूँगा। तो चलिए मैं मोटोमैक्स का पहले यूज़ कर लेते हैं। तो गैस अभी आप देख रहे हैं मैं लेफ़्ट पैनल को अच्छे से वॉश कर रहा हूँ मोटोमैक्स से, और उसके बाद मैं थोड़ा सा ऐसे हाथ से इसको फैला दूंगा ताकि ये अच्छी तरह से फैल जाए इस पूरे पैनल पे। तो गाइस आप देख रहे हैं अभी मैं लेफ़्ट पैनल पे अच्छे से इसको रब करके ऐसे फैला दिया है पूरा मोटोमैक्स को इससे। तो अभी मैं सेकंड जो राइट पैनल है उसमें मैं शिबा का यूज़ करूँगा। तो चलिए उसको भी ऐसे ही मैं कर लेता हूँ। तो गाइस जो शिबा का है, शिबा के साथ आपको ऐसे फोम मिल जाती है ये लगाने के लिए, तो मैं इससे ही लगाता हूँ अभी इसको। तो लगाने से पहले थोड़ा सा ऐसे शेक कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो उसके बाद मैं ऐसे ही करूँगा जैसे मैं पहले मोटोमैक्स का लगाया था, अभी मैं शिबा का लगाऊँगा राइट पैनल पर। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों को मैंने अभी वॉश कर लिया है, एक को मोटोमैक्स से और एक को शिबा से। अभी मैं इसको धूप में सुखाऊंगा दोनों पैनल्स को। और गाइस जैसे धूप में सुखाने के बाद मैं एक जो साफ और ड्राई कपड़ा लेकर अभी आपको इसको रब करना है। जितना आप इसको रब करोगे उतनी ये शाइनिंग देगा, तो ये बहुत ही ग्लोसी लुक होती है इन दोनों की। तो मैं दोनों को ऐसे रब करके फिर आपको रिजल्ट बताता हूँ इन दोनों का। तो गाइस अभी कंप्लीट हो चुका है प्रोसीजर सारा। एक देखिए शिबा का है, तो मैं आपको दिखाता हूँ पास से। तो आप देख सकते हैं ये कितनी ग्लोसी लुक दे रहा है। एक्चुअली इतना कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकता जितना आपको ऐसे खुली आंख से दिखेगा ये ऐसे ग्लोसी। तो बहुत अच्छी स्प्रे है दोनों, और मैं अभी दोनों को आपको दिखा रहा हूँ कि इन दोनों में कोई भी इतना खास फर्क नहीं है। तो दोनों अच्छी हैं। अगर आप मिड रेंज में ऐसे सस्ते रेंज में अगर लेना चाहते हैं ये पॉलिश, तो ये बहुत अच्छी है बाइक के लिए, और रेगुलर यूज़ कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये सस्ती होने के कारण ये कोई ऐसे बेनिफिट भी देती है कि आपका जो कलर वगैरह है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता बाइक का। तो आप इसको रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे जो ऐसे धूल मिट्टी के साथ जो स्क्रैचेस बढ़ जाते हैं उसके लिए ये थोड़ा बहुत ये उसको हाइड कर देता है। बाकी जो स्क्रैचेस बड़े वाले होते हैं उसके लिए मैं अभी अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आप इसको देखिए अभी ग्लोसी लुक दे रहे हैं दोनों। तो ये मेरे ख्याल से ये दोनों शिबा और मोटोमैक्स दोनों जो है अच्छे स्प्रे है अगर आप ये सस्ती रेंज में लेना चाहते हैं। तो गाइस अगर इनको आप परचेज करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इनको परचेज कर सकते हैं। एक्चुअली ये दोनों एक जैसे हैं, तो आप इनमें से कोई भी परचेज कर सकते हैं अपने रेगुलर यूज़ के लिए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अगर अच्छी लगी होगी एक लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और भी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।